मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद सुखविंदर सुक्खू का आंसू छलकने वाला वीडियो आया सामने। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी का नाहन लौटने पर हुआ नागरिक अभिनंदन। सोलंकी ने नव निर्वाचित सीएम के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को दोहराया। कांग्रेस में राज परिवार का दबदबा होने के दौरान भी सुक्खू खेमे में होने के लिए जाने जाते हैं सोलंकी। सोलन व नाहन से 5 बार विधायक रह चुके कद्दावर भाजपा नेता राजीव बिंदल को हराने के लिए सिरमौर में चर्चा में है सोलंकी। कांग्रेस विधायक दल का नेतृत्व मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद साधारण परिवार से सियासत में आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आज भावुक होने अथवा आंसू छलकने वाला वीडियो काफी चर्चा में है। वीडियो 10 दिसंबर की शाम का बताया जा रहा है, जब उन्हें 48 घंटे की जद्दोजहद के बाद विधायक दल का नेता चुना गया और वह बैठक में संबोधन के लिए खड़े हुए। गौरतलब है कि सुक्खू के विधायक दल के नेता चुने जाने तक पिछले कई दशक से हिमाचल कांग्रेस में राज परिवार का दबदबा था और 9 व 10 दिसंबर को भी उक्त परिवार से संबंध रखने वाले पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों द्वारा विधायक दल की बैठकों के दौरान राजधानी शिमला में रानी को सीएम बनाए जाने के लिए जमकर नारेबाजी कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। रोचक तथ्य यह है कि राज परिवार को सियासी पटखनी देने वाले सुखविंदर सुक्खू एक गरीब और सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं और उनके पिता सरकारी बस के ड्राइवर थे। अन्य सिवाय हुआ कांग्रेस व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रह चुके सुक्खू का जीवन भी पीएम मोदी की तरह काफी संघर्षपूर्ण रहा और उनके पढ़ाई करने के साथ साथ दूध बेचने की बात सीएम बनने के बाद मेनस्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों में रही। पार्टी सूत्रों के अनुसार अपने जीवन अथवा राजनीतिक संघर्ष को याद करते हुए उनकी आंखें भर आई थी। हालांकि सीएम ने इस बारे अब तक खुद कुछ नहीं कहा है। उधर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले नाहन के कांग्रेस एमएलए अजय सोलंकी का घर लौटने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गाजे बाजे के साथ गर्म जोशी से नागरिक अभिनंदन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री जैसे पदों पर रह चुके सोलन व नाहन से 5 बार विधायक चुने जाने वाले डॉक्टर राजीव बिंदल को हराने के लिए अजय सोलंकी भी इन दिनों सिरमौर में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। अभिनंदन के बाद स्थानीय लोगों व पत्रकारों को संबोधित करते हुए सोलंकी ने मुख्यमंत्री सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को दोहराते हुए नाहन के चहुमुखी विकास का दावा किया। कार्यक्रम के दौरान जीत के लिए उन्होंने जनता व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया। गौरतलब है कि हिमाचल की राजनीति में 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह अथवा राज परिवार का दबदबा होने के दौरान भी अजय सोलंकी सुखविंदर सुक्खू के समर्थक अथवा उनके गुट में होने के लिए जाने जाते थे। गत 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने के तत्काल बाद कांग्रेस विधायकों को शिमला तलब किया गया था और उसके बाद से सोलंकी आज नाहन लौटे हैं। देखिए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज चुनाव के नतीजों के बाद आज यहाँ आना हुआ। अगले दिन मैं शिमला चले गया था और मैं सबसे पहले तो नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक समस्त जनता ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और सभी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, समस्त कांग्रेस पार्टी परिवार के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों का, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी और सभी लोग प्रत्याशी के रूप में जिन्होंने कार्य किया और आज और पूरी समस्त जनता और कार्यकर्ताओं की ये जीत है। मैं आपके माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में और एक आज सौभाग्य की बात है कि आम परिवार का व्यक्ति आज हिमाचल प्रदेश के सरोज पद पे मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली, हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है उनके कुशल नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा और हिमाचल प्रदेश बुलंदियों तक पहुंचेगा। बहुत अच्छे लोग चुन के आए हैं जिनका लक्ष्य राजनीति में आने का, सत्ता प्राप्ति नहीं थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शुरू से ही नारा था कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में आए हैं और पहले ही दिन उसका संकेत भी मिला है।